फ्लैश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं उत्तिशा अपलुटन की शुरुआत करेंगे और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सीएम परिषद की बैठक जारी है। बीजेपी सीएम परिषद के दूसरे दौर की बैठक आज चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। बता दें कि बीते दिन ये बैठक शुरू हुई थी जिसके बाद आज भी बैठक जारी है, आज दूसरा दिन होगा। जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर अब नीति आयोग की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ी बैठक कर रही है। यहाँ पर इस बैठक में देश के सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक का एजेंडा यही रहेगा। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट निकलकर सामने आया देश भर की सीटों पर, उसके बाद अब आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा लोकसभा चुनावों के रिजल्ट का और समीक्षा की जाएगी और इसके बाद राज्य में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर रणनीति बनाई जाएगी। और रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का, राजधानी लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा, यानी कि 29 जुलाई को मॉनसून सत्र का आगाज होगा। 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। आपको बता दें कि अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार 2024 से 2025 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने वाली है कल, यानी कि 29 जुलाई को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है कल से उसकी शुरुआत होगी और पहला अनुपूरक बजट 2024 से 2025 का यूपी सरकार पटल पर रखेगी और पेश करेगी। 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक यह सत्र चलने वाला है और कल से यानी कि 29 जुलाई से मॉनसून सत्र का, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र का आगाज होगा। कई अधिसूचनाओं को यहां पर रखा जाएगा पटल पर, कई अध्यादेश, कई बिल संभावना है कि पास हो सकते हैं कल, जिनको पटल पर रखा जाएगा। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुपूरक बजट। साल 2024 से लेकर 25 तक का पहला अनुपूरक बजट यूपी सरकार पेश करेगी 29 जुलाई को। स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए। अनिल जी, पहला अनुपूरक बजट साल 2024 से 25 का पटल पर रखा जाएगा कल और बजट रखने के बाद मॉनसून सत्र का भी आगाज कल से होगा, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं विस्तार से बता दीजिए। देखिए तिशा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुपूरक बजट है ये लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का पहला बजट होगा, बजट सत्र होगा, जिसमें प्रदेश सरकार अपने बजट यहाँ पर खास तौर से 5 बिंदु ला रही है सत्र में। और इसके पहले हम बता दें कि जो बजट की तैयारी है, प्रमुख सचिव विधानसभा ने बजट सत्र की पूरी तैयारी की घोषणा कर दी। 29 तारीख से ही बजट सत्र शुरू होगा, 30, 31 और 1-2 यानी कि 2 अगस्त को बजट खत्म हो जाएगा। बजट की शुरुआत में सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाएगा, एक अध्यादेश के जरिए एक बजट लाया जाएगा, वो प्रस्ताव होगा जिसमें नकल निवारण यानी कि मतलब जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान जो भी अनुचित संसाधन उपयोग किए जाते हैं उनको खत्म करने लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें जो लोग इस प्रकार का काम में शामिल होते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा विधि जो उत्तर प्रदेश के जो कानून है उनमें भी थोड़ा सा संशोधन करने का एक विधेयक लाया जाएगा अध्यादेश के जरिए। इसके अतिरिक्त नजूल की जमीन को संदर्भ में भी एक अध्यादेश लाने की तैयारी है। और जो जिस तरीके से अभी आपको बता दें कि अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ की तैयारी का भी एक प्रस्ताव इस सत्र में रखा जाएगा, जिसमें बस खरीदने से लेकर के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको कैसे और डेवलप किया जाए, इसके लिए भी बजट सत्र में प्रस्ताव आएंगे। इस प्रकार से कुल 5 प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और जिसमें कि प्रस्तावों के साथ साथ अनुपूरक बजट भी पेश होगा, अनुपूरक बजट में जिसमें कि आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की बात की जाएगी और अलग अलग मदों में पैसा भी दिया जाएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब लोकसभा में
विपक्ष ने जिस तरीके से मजबूती हासिल की है, उस मजबूती हासिल करने के बाद अब पहला सत्र है जब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब जो विधायक जिन जो जो लोकसभा में जिनकी पार्टियां मजबूत होकर आई, विपक्षी पार्टियां मजबूत होकर आई हैं और अब वो विधानसभा में ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, ज़्यादा आक्रामक होंगे, ये तैयारी पूरी तौर से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनकी बैठक लगातार चल रही है, उनको दिशा निर्देश किन किन मुद्दों पर कौन कौन मुद्दे उठाएंगे, किस तरीके से सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक ही मुद्दा नहीं, तमाम मुद्दे हैं, देखिए बेरोजगारी से लेकर के तमाम मुद्दे हैं जिनमें सरकार घेरने जा रही है। मानसून सत्र है, जाहिर की बात है, इसमें बाढ़ की स्थिति, किसानों के हालात, लोगों की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये तमाम मुद्दे विपक्ष उठाएगा। अब देखने की बात ये होगी किस तरीके से सरकार और इसका उनका जवाब देती है और सदन में रखती है। जी जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विपक्ष कई मुद्दों को उठाता हुआ बजट सत्र के दौरान नजर आ सकता है, लेकिन अभी तो बजट सत्र शुरू भी नहीं हुआ है, बजट सत्र का आगाज नहीं हुआ है, उससे पहले ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है इस बात को लेकर कि जो बजट सत्र की अवधि रखी गई है वो बेहद छोटी है, इसमें अध्यादेश पास करवाए जाएंगे और अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा और उसमें चर्चा होगी, उस पर तमाम तरह की चर्चाएं होंगी, उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा, यानी कि जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है वो उठाने के लिए विपक्ष को उतना समय नहीं मिल पाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। दिशा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब सब विधानसभा सत्र शुरू होने की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारा बजट सभा, हमारे जितने सत्र हैं वो पूरी तौर से लंबे लंबे चलेंगे, हर विषय पर लंबी बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन लगातार पिछले चार पाँच सालों से लगातार देखने में आया है कि सत्र की अवधि लंबी भले ही कभी कभी रख दी जाए लेकिन वो बहुत लंबे लंबे गैप के लिए स्थगित कर दिया जाता है और जो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा बहस नहीं हो पाती है और विपक्ष भी हंगामा करके अपनी खाना पूरी कर लेता है। लेकिन विपक्ष का एक रोल है, एक अहम भूमिका है, विपक्ष अपनी बात कहेगा और विपक्ष अपनी बात कहने में कितना सक्षम होता है ये तो विपक्ष की नेता अपने आप को वहां पे साबित करेंगे कि हम मतलब सदन में कम समय होने के बावजूद कैसे करें। जैसे हमने बताया कि अब किसानों की चौपट हो रही फसल, कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है और बाढ़ आ रही है और कुछ कुछ राज्य के ऐसे भी जिले हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही, वहां सूखे की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के किसानों की बात भी जो विपक्ष है सदन में रखेगा और सरकार से यह भी मांग करेगा कि किसानों को उनका उचित मूल्य दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए ताकि उनकी फसल उनके ठीक से हो सके, उनका रहन सहन से हो सके। जी अनिल जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपसे, जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उनका जिक्र आप कर चुके हैं, 5 प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही अध्यादेश भी, इसके अलावा जो अनुपूरक बजट पेश करने वाली है सरकार उसमें क्या क्या शामिल होने वाले, एक बार ये और बता दीजिए, जनता की जो उम्मीदें हैं ये अनुपूरक बजट कितना खरा उतरने वाला है, जनता की उम्मीदों पर क्या संभावना है? देखिए अनुपूरक बजट का मसला यह है कि जो जो प्रस्ताव जहाँ पे जो संसाधन है, जैसे कि धार्मिक पैटर्न में सबसे पहले अभी इन्होंने पैसा जो खर्च किया था वो अयोध्या में सबसे ज़्यादा खर्च किया, अब अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, वो भी एक धार्मिक पैटर्न के रूप में देखा जाता है, इसके अतिरिक्त मथुरा है और चित्रकूट, ये भी धार्मिक पैटर्न के केंद्र हैं, उसके लिए खास बजट का प्रावधान किया जाने की तैयारी है और इस और अन्य जो बजट के जो संसाधन है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा जो मुद्दा था शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, इन तीन सब्जेक्टों पे भी अलग से धन देने की तैयारी की जा रही ताकि अनुपूरक बजट में वहां पर इन क्षेत्रों में भी किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। और एक बात बता दें कि पिछड़े वर्ग में जो कि समाज कल्याण से जुड़े हुए जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनके लिए जो आज चलने वाली योजनाएं हैं वो योजनाएं अभी काफ़ी समय से कुछ धीमी गति में थी, उनमें तेजी लाने के लिए भी उस सब्जेक्ट को भी मतलब थोड़ा सा अनुपूरक बजट में ध्यान दिया जा रहा है जैसा कि सूत्र कहते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो मानसून सत्र जिसका आगाज होने वाला है कल से बेहद हंगामेदार ये रहेगा, कई मुद्दे विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, साथ ही जो अनुपूरक बजट पेश होगा उससे जनता को काफी फायदे मिलते नजर आ सकते हैं, कई बड़ी सौगातें भी मिल सकती है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
और राजधानी लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक इसी के लिए बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद होंगे, यानी कि शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक, और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और ये बैठक बुलाई गई है मॉनसून सत्र के आगाज से पहले। कल यानी कि 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। तमाम नेता विपक्ष और सरकार के इसमें मौजूद रहेंगे और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होने वाले हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है सपा कार्यालय में, जहां पर बैठक जारी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सभी सपा विधायक इस बैठक में मौजूद है और कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, इस बात पर मंथन चल रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं और ये चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है, वो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद अब खाली हो चुका है। इसके बाद अब लगातार चर्चाओं का, मंथन का दौर समाजवादी पार्टी में जारी है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कि अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। ऐसे कई नाम हैं जो इस रेस में शुमार है, जिनके बारे में लगातार चर्चाएं की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष पद पर किस नाम को आसीन किया जाए। और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है सपा कार्यालय में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा चर्चा करेंगे उनसे। तौकीर, सपा कार्यालय में बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों की, कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इस पर मंथन, कौन कौन से ऐसे नाम जो सुर्खियां बटोर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की रेस में? देखिए, कल विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है सोमवार से, इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। अभी सपा विधायकों की बैठक है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव बैठक में शामिल हैं और आज नेता प्रतिपक्ष का जो ऐलान होना है उसमें कई नामों को लेकर चर्चा थी। सबसे ज्यादा जो चर्चा में है, इंद्रजीत सरोज है, इसके बाद तूफानी सरोज है, शिवपाल सिंह यादव है, ऐसे कई नाम हैं जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव हुआ लोकसभा का और उसमें पीडीए का जो नारा दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि जो पिछड़ा दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको ही ये भूमिका में रखेंगे, मुख्य भूमिकाओं में रखेंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव के मद्देनजर, यानी कि 2027 में सबकी निगाहें हैं। और यही वजह है कि दलित एक चेहरा जिसको माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया जाएगा, जिसमें दो नाम अब सबसे ज्यादा छनकर ऊपर आए हैं, तूफानी सरोज और इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज बड़ा नाम है, बसपा सरकार में नंबर 2 के नेता थे, बहुत समय पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अभी हाल ही में उनका जो बेटा है पुष्पेंद्र सरोज, वो भी चुनाव जीत गया है कौशाम्बी से और इस समय लोकसभा के सत्र में अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में मौजूद है। यानी कि पूरा परिवार राजनीतिक है और पुराने राजनीतिक है, इसीलिए इंद्रजीत सरोज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि दलित चेहरे को वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बना सकते हैं। जी, तो कि यानी कि जातीय समीकरण तो भेदने की कोशिश अखिलेश यादव जरूर यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बात और यहाँ पर कही जा रही है इसी के साथ कि अखिलेश यादव शायद इस पद के लिए अपने किसी करीबी को ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि अब जैसा लोकसभा चुनाव में रिजल्ट देखने को मिले, इसके बाद काफी खुशी का माहौल विपक्ष में है, तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि इस पद के लिए किसी भी तरह की कोई कोताही बरती जाए। देखिए, मैंने आपको बताया कि शिवपाल सिंह यादव को लेकर पहले भी चर्चाएं की, लेकिन शिवपाल सिंह यादव खुद इस सीट पर अभी बैठना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वो सीधा अभी सरकार से कोई भी आमने सामना नहीं करना चाहते, और दूसरी बात है संगठन पर जिस तरह से वो मजबूती कर रहे हैं, तो शिवपाल सिंह यादव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि संगठन को लगातार वो समेटे रहे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें बड़ी भूमिका शिवपाल सिंह यादव की भी थी, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी उनके पास थी और वो संगठन, और इसके अलावा जो अलग अलग लोकसभा सीटें थी वहां से प्रत्याशियों के चयन पर भी वो चर्चा कर रहे थे और बड़ी भूमिका में वो रहे इस बार चुनाव में। यानी कि अगर उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनका काम जो उधर डिस्टर्बेंस हो सकती है, शिवपाल सिंह यादव खुद भी इस सीट
पर बैठने के लिए मना कर चुके हैं। और फिलहाल जो सबसे पहले मैंने बात कही आंखों के दलित चेहरा, क्योंकि अभी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अब विधानसभा में भी अगर ओबीसी में से सिर्फ पिछड़े जात का बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज को देने की भी कोशिश है कि वहां पर एक पिछड़ा हो गया है विधान परिषद में और यहां पर एक दलित, यानी कि साफ संकेत है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यही वो समीकरण है जिसपे अखिलेश यादव अब चलेंगे, चाहे किसी तरह के चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा की उप 10 सीटों पर उपचुनाव हो, इस पर भी आपको यही समीकरण नजर आने वाला है। जी जी, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या फैसला समाजवादी पार्टी लेती है और इस ऐलान में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए पीडीए की गूंज कितनी सुनाई देती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय टमटा प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के जरिए जारी किए गए बजट में इस बार महिलाओं, बालिकाओं, छात्र छात्राओं और आम जनमानस को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में एक मोची से किए वादे को पूरा कर दिया है। उन्होंने इसके लिए 24 घंटे से भी कम का समय लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल मोची चेतराम से मिले थे और उसका हाल जाना, साथ ही उसने मदद की अपील की थी। इस पर आज राहुल गांधी की ओर से उसके एक सिलाई मशीन मुहैया कराई गई है। इसको पाते ही उसका चेहरा खिल उठा है। तो वही ग्रेटर नोएडा के 44 सेक्टर में गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को जल्द ही उस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पानी की समस्याएं थोड़ी कम हो सकती हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के संकट को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2005 में ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की पूर्ति के लिए एक कार्रवाई शुरू की गई थी, एक अभियान चलाया गया था और काम शुरू होने की बात कही गई थी। आज 19 साल बाद उस काम के पूरा होने का एक जो सपना देखा गया था वो पूरा होने की उम्मीद जागी है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उनके आने के बाद से गंगा जल अब सीधे ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने का काम जो है वो और तेजी से शुरू हो गया है और जल्द ही ग्रेटर नोएडा के वासियों को गंगा जल सीधे उनके पीने के लिए मिला करेगा। आपको बता दें कि अब तक 44 सेक्टरों में गंगा जल की जो है पूर्ति की जा चुकी है और अब सिर्फ 55 सेक्टर ऐसे रह गए हैं जिनमें गंगा जल की पूर्ति होनी बाकी है और जल्द ही सेक्टर जो 55 सेक्टर रह गए हैं ग्रेटर नोएडा के, वहां पे रहने वाले लोगों को अब सीधे गंगा जल जो है वो मिलेगा और वह गंगा जल को जो है प्रयोग में ला सकेंगे। बाकी ये सिर्फ अभी बातें हैं या ऐसा काम सच में होगा ये देखने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। चलिए दो मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। महोबा में रिश्तों की मर्यादाओं को भूल बैठे कलियुगी पुत्र अपने ही पिता को किया बेघर, 8 दिन से भूखे बुजुर्ग ने कोतवाली में लगाई गुहार। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक में बोलेरो में मारी टक्कर, हादसे में कई लोगों को आई चोटें, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मेरठ में टोल टैक्स मांगने पर दरोगा ने टोल कर्मी पर तानी पिस्टल और धमकाया, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। मुजफ्फरनगर पहुंची देश को समर्पित 301 फीट लंबी तिरंगा कावड़ बागपत निवासी कावड़िए लेकर आ रहे पहली तिरंगा कावड़ देश की समर्पित की कावड़। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों में मची अफरा तफरी, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मुजफ्फरनगर में 24/7 ग्राउंड जीरो पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह सभी व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा, कावड़ियों पर बरसाए फूल। भदोही पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अनफिट बसों का किया निरीक्षण, कमियां देख भड़के मंत्री। कन्नौज में जीने पर पड़ा मिला
पांच महीने के मृत बालक का भ्रूण। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। विधि विधान से कराया जाएगा अंतिम संस्कार। डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे कमिश्नर कमांड ऑफिस। पुलिस कमिश्नर और जेसीपी सभी डीसीपी के साथ की बैठक। और आगरा में टैंकर से टकराने के बाद मकान में घुसा दो पहिया वाहनों से भरा अनियंत्रित कंटेनर। घटना के बाद मची चीख पुकार। थाना एकमादपुर क्षेत्र का मामला। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।